आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है जो कि हम सभी 1996 से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज आधी से ज़्यादा आबादी किसी न किसी दर्द की वजह से साथ जी रही है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। गिरने के कारण, किसी सर्जरी की वजह से, हड्डी की कमजोरी की वजह से, काम गलत तरीके से करने की वजह से, या फिर मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से, ताकत कम होने की वजह से, या एक्टिविटी जो है उनकी जो प्रॉपर स्ट्रेंथ ना होने के कारण उनको वो दर्द का सामना करना पड़ता है। मैं डॉक्टर सुप्रिया गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एट फिजियोथेरेपी इन स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मैं आज आपको फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी कैसे हमको दर्द से, मांसपेशियों की कमजोरी से, नसों की बीमारियों से, तकलीफ से हमें दूर कर सकता है। जन्मजात से लेकर के बुढ़ापे तक हमें कहीं ना कहीं बीमारियों का सामना करना पड़ता है। डिलीवरी के बाद से ही बच्चे का अगर ग्रोथ नॉर्मल ना रहे उसके कारण से उसे तकलीफ होती है, हाथ पैरों में कमजोरी आती है, जिसके लिए भी फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। दवाइयों से आप सारे दर्द का निवारण नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम फिजियोथेरेपी में कुछ ऐसी पद्धति यूज़ करते हैं जिससे आपके दर्द को हम कम कर सकते हैं, साथ में आपकी ताकत को बढ़ाते हैं और उसके साथ ही आपकी नॉर्मल लाइफ में आपको बैक करते हैं, आप अपने काम पे 100% दे सकेंगे, इसलिए हम उसको मोटिवेट करते हैं। रोशन दर्द की काफ़ी कई वजह हैं जिनके कारण से हमारे शरीर में तकलीफ बढ़ती है, जैसे कि अगर हम गलत तरीके से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, गलत पोस्चर में बैठ रहे हैं या कार ड्राइव कर रहे हैं, या हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं जिसका एक प्रॉपर पोस्चर हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम किसी एक जॉइंट, किसी एक मसल मांसपेशियों में ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, जो कि दर्द हमारा बिना किसी चोट के डेवलप होता है। तो हम उस दर्द को कैसे अपने आप को उससे रिलीफ कर सकते हैं, उसके हम तरीके हम फिजियोथेरेपी में यूज़ करते हैं। जैसे घुटने का दर्द हो गया, ट्रैफिक पुलिस अगर आप देखेंगे खड़े ने कारण को एड़ी का दर्द है, घर पे कार्य करती हुई महिलाओं को भी काफ़ी तकलीफें झेलनी पड़ती, कमर दर्द हो गया, कैल्शियम की कमी होने कारण से हड्डी कमज़ोर होती है और दर्द का सामना करना पड़ता है। तो हम फिजियोथेरेपी में उनको कैसे बोन डिपोजिशन उनकी बढ़ाएं, हम कैल्शियम को कैसे बढ़ाएं, उनकी तकलीफ़ों को कैसे कम करें, विद डाउट डाइट के द्वारा, उनके एक्सरसाइज के द्वारा, उनकी जनरल हेल्थ को हम कैसे नॉर्मल करके रखें।